नमस्कार दोस्तों, विजय क्लासेस में आपका स्वागत है। एफिनिटी के न्यू फीचर के बारे में हम लोग सीखेंगे, आगे के टूल्स को देखते हैं। पिछले क्लास में आपने सिलेक्शन बनाना सीखा था, इस बार मैं आगे के टूल को बताता हूँ कि किस तरह से इन टूल पे कमांड हासिल किया जाए। और एक बात और, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले, ताकि इस तरह के क्लासेस आपको यूँ ही मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, इस बार हम सीखेंगे एफिनिटी के आगे के स्टेप को। तो सबसे पहले मैं एक फोटोग्राफ ओपन कर लेता हूँ और आप टैब दबाएंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टूल बार और जो पैलेट्स है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इसके लिए आपको टैब दबाना होगा एफिनिटी फोटो में, तो वो सारा का सारा टूल बार और पैलेट्स वापस आ जाएगा। पिछली क्लासेस में आपने सीखा था सिलेक्शन बनाने के लिए, सिलेक्शन के मैंने विभिन्न तरीकों को आपको डिस्कस किया था जिससे आप आसानी से सिलेक्शन बना सकते हैं। इस बार मैं देखता हूँ हैंड टूल। हैंड टूल से हम फोटोग्राफ को मूव कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं। एक्चुअली ये फोटोग्राफ को पूरे कैनवस में कहाँ रखना है, अगर आप इस फोटोग्राफ को जूम कर लिए हैं तो इसके किस पार्ट को आपको व्यू करना है, उसके लिए आप हैंड टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल है, अगर आप किसी भी टूल पे काम कर रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ब्रश टूल ले लेता हूँ, और मैंने जैसे ही ब्रश लिया है यहाँ पे देख रहे हैं कि पेंट का प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। जैसा ब्रश का साइज को मैं ब्रैकेट से छोटा बड़ा कर रहा हूँ तो इसका प्रीव्यू हम लाइव देख सकते हैं कि जो पेंटिंग होगी वो बिल्कुल हार्ड एज की होगी। अगर हम यहाँ ब्रश को सॉफ्ट कर देते हैं तो उसके बाद जो प्रीव्यू दिखा रहा सॉफ्ट एज का दिखा रहा। मेरा कहने का मतलब है, आप किसी भी टूल में रहें, अगर आपने स्पेस दबा दिया है तो वो टूल ब्रश टूल रहते हुए भी आप हैंड जैसा मूव कर सकते हैं, और फिर आप स्पेस छोड़ देते हैं तो वापस आपके पास ब्रश टूल आ जाता है और जिससे आप पेंटिंग कर सकते हैं। अगर हमने फिर से स्पेस दबाया तो हम इसको नेविगेट कर सकते हैं, पूरे कैनवास को किसी भी पार्ट को मूव करके देख सकते हैं। तो दूसरा है आपके पास मूव टूल। मूव टूल का काम है किसी भी लेयर को मूव करना, या फिर अगर आपके पास जो करेंट लेयर है बैकग्राउंड लेयर, इसे भी मूव कर सकते हैं। आप लेयर में चेक कर लें, ये लेयर में देखिए यहाँ पे लॉक लगा हुआ, लॉक ऑन है, ये लेयर मूव नहीं होगा, आप इसे ड्रैग नहीं कर सकते हैं। जब हम इस लेयर का लॉक को ऑफ कर देते हैं तो अभी मूव हो सकता है आराम से। तो इसको चेक कर लेना है कि जो पहला लेयर होता है किसी भी पिक्चर का वो पहले से ही लॉक होता है, लेकिन अगर हम इसके कुछ पार्ट को कॉपी कर ले, जैसे मैंने इतना पार्ट को कॉपी किया, और कॉपी और पेस्ट करने के लिए सबसे शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल जे, क्योंकि कॉपी पेस्ट के लिए कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करना होगा, जो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है कॉपी एंड पेस्ट। अगर हम कंट्रोल जे दबाते हैं तो ये कॉपी और पेस्ट बोथ एक साथ हो जाता है, उसके लिए लेयर एक्टिव होना चाहिए और कंट्रोल जे दबाएंगे। अब ये देखिए न्यू लेयर पे ये सिलेक्टेड पार्ट कॉपी हो गया है। सिलेक्शन को हम ऑफ कर देते हैं और उसके बाद मूव टूल से हम उस सिलेक्टेड पार्ट को कहीं भी मूव कर सकते हैं। आप इसे रोटेट कर सकते हैं ऊपर वाले हैंडल को पकड़ के, या फिर कॉर्नर के नियर में माउस को लाएंगे तो आप इसे रोटेट कर पाएंगे आसानी से। तो इस तरह से हम लोग किसी भी पिक्चर को मूव कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं कॉर्नर से, साइड से हम चौड़ा कर सकते हैं या बॉटम से हम हाइट बढ़ा सकते हैं, लेकिन कॉर्नर से जब भी करेंगे तो इस इमेज का रेशियो बिगड़ेगा नहीं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, विड्थ एंड हाइट का जो अनुपात है वो एकदम मेंटेन रहेगा। तो अभी आपने सीखा कि मूव टूल से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, प्रोपोर्शनली स्केल कर सकते हैं या अनप्रोपोर्शनली स्केल कर सकते हैं। आईड्रॉपर टूल से हम कहीं भी क्लिक करेंगे तो उसका कलर पिक होके आपका टॉप वाले प्राइमरी कलर पे आ जाएगा, और उससे अगर आप ब्रश टूल ले रखा है तो ब्रश टूल से पेंट कर सकते हैं। पेंट करने से पहले आपको इस पे क्लिक करना होगा, ये कलर टॉप वाला पे जब तक नहीं आएगा तब तक उस कलर से आप पेंट नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसे अंडू कर लेता हूँ पूरे कैनवास को। अंडू करने के लिए आपको बहुत बार अंडू बटन दबाए रखना होता है, लेकिन ऐसा नहीं करना। मान लीजिए कि आप इस पर बहुत सारा काम कर लिए, यहाँ पे देखिए अंडू स्लाइडर है, आपको हिस्ट्री में मिलेगा। जैसे ही ये स्लाइडर आप बैक करेंगे तो धीरे धीरे एक एक स्टेप करके बैक चला जाएगा, और अगर आपको एक ही बार शुरुआत वाली पोजीशन पे आ जाना है तो फिर डायरेक्ट आप इसे बैक कर लें। तो अभी अभी आपने देखा कि किस तरह से आईड्रॉपर से हम लोग कलर सेलेक्ट करते हैं और उसे यूज करते हैं। अगर आपके पास कोई वेक्टर शेप है, जैसे मैं यहाँ पे एक सर्किल बना लेता हूँ और सर्किल को इस तरह का साइज ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं इस पे वाइट कलर लेता हूँ,
इसको थोड़ा सा ब्लर करेंगे तो इसके फिल्टर में जाएंगे और फिल्टर में जाकर लेयर के एफएक्स पैनल में जाकर इसे ब्लर कर लेंगे। कितना ब्लर रखना आप यहाँ से वैल्यू को चेक कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम इसे लाइटिंग इफेक्ट बनाना है तो फिर इसको स्क्रीन मोड में लेके जाएंगे और अदर मोड में डाल के देखेंगे कि किस तरह से इसमें ग्लो का इफेक्ट आता है। तो ये जो मोड है ये मोड काफ़ी बढ़िया लग रहा है, ओवरले एक रोशनी टाइप का इफेक्ट दे रहा है। तो मैं इसे इस जगह पे लगाता हूँ, सपोज कीजिए यहाँ पे लगाता हूँ। अब मेरा रिक्वायरमेंट है कि ये जो ग्लो है इसका कलर मैं चेंज कर लूँ। ग्लो तो हमेशा ऐसा ही कलर होगा, इसे पहले फिर से नॉर्मल कर लेते हैं। ये जो वेक्टर शेप है इस शेप का कलर मुझे बदलना है। आईड्रॉपर लेंगे, यहाँ पे ये बटन चेक होना चाहिए, आप लाइट टू सिलेक्शन, मेरा सिलेक्शन है इस वेक्टर लेयर पे। अब जैसे ही आईड्रॉपर से लेकर मैं इस कलर को पिक करूँगा और सीधा का सीधा एक्टिव लेयर के सिलेक्शन में फिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो आईड्रॉपर से कहीं भी क्लिक करें ये ऑटोमेटिक फिल हो जाता है उस पर। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें कि कोई भी कलर अगर किसी में हम फिल करते हैं, जैसे ये शेप है इसमें जो भी कलर हमने फिल किया तो इसके फिल को हम थोड़ा सा ग्रेन्स डाल सकते हैं, जैसा बैकग्राउंड में ग्रेन्स है, नुआइज। यानी कि ये जो फीचर है ये आपको एफिनिटी फोटो में मिलेगा, दूसरे सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ से नुआइज डालने के लिए ये ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हैं, हम स्वाचेज में जाते हैं। सपोज कीजिए कि मैं ये वाला कलर लेता हूँ, कलर में जाते हैं और ग्रेडियंट में जाते हैं। तो ग्रेडियंट में एक पॉइंट पे ऐसा कलर है तो हम यहाँ से कलर पे क्लिक करते हैं और इस कलर में नॉइज डाल सकते हैं। इधर से पिंक को सेलेक्ट करेंगे और पिंक कलर में भी नॉइज हम लोग डाल सकते हैं। तो इस कलर में भी नॉइज आ गया है। अगर हम यहाँ पे कोई सॉलिड कलर लेते हैं तो सॉलिड कलर में नॉइज डालने का कोई ऑप्शन नहीं है, आप ग्रेडियंट में केवल नॉइज डाल सकते हैं। तो अभी अभी आपने सीखा कि किस तरह से आईड्रॉपर टूल से काम होता है। क्रॉप टूल, क्रॉप टूल से आप इमेज के किसी भी पार्ट को जो आपको रखना है उसे रख सकते हैं, जिससे क्या होगा बाहर का चीज सारा कट के हट जाएगा। जैसे हम ये क्रॉप टूल लेते हैं और क्रॉप टूल से एक सिलेक्शन बनाते हैं कि मुझे इतना पार्ट चाहिए बाकी का पार्ट नहीं चाहिए। तो आपने सिलेक्शन बनाया, इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये इमेज क्रॉप हो गया और इसके बाहरी साइड जो है हट चुका है, बिल्कुल रिमूव हो चुका है, जो आपने सेलेक्ट किया था वही है, बाकी का कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आप मूव टूल से इसे मूव करते हैं तो इसके लॉक को हटा देते हैं, लेयर के लॉक को मैंने हटा दिया इसे सेलेक्ट करके। अब जब मूव करते हैं तो देखिए ये पूरी तरह से इमेज क्रॉप नहीं हुआ, क्रॉप जो हुआ है केवल कैनवस क्रॉप होता है, इमेज आपका डिस्टोर्ट नहीं होता है, इमेज पूरी की पूरी बची रहती है कैनवस के आउटसाइड में। तो इस तरह से हम लोग क्रॉप टूल का इस्तेमाल करते हैं। क्रॉप टूल के बाद फिर दूसरी ऑप्शन इसमें क्रॉप टूल में आपको मिलेगा, इसके प्रॉपर्टी बार में चेक करें, पहला अप्लाई है। तो मैं इसके हिस्ट्री में जाता हूँ और इसके हिस्ट्री में जाके पूरा जीरो पे लेके आता हूँ शुरुआत पे। तो ये क्रॉप टूल में पहला अप्लाई है, यानी कि आपने जो भी सिलेक्शन बनाया है उसे अप्लाई करेंगे तो ये कैनवास इस साइज की हो जाएगी। दूसरा कैंसिल है, क्रॉपिंग नहीं होगा। उसके बाद मोड है, मोड में अनकंस्ट्रेंट में तो होता है कि आप विड्थ हाइट कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी रेशियो रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्रॉप को कैंसिल कर लेता हूँ और इस बार मैं जो साइज बनाऊंगा चौड़ा बनाऊंगा या ऊंचा बनाऊंगा, यानी कि कोई भी रेशियो इसमें फिक्स नहीं है। लेकिन हम अगर यहाँ पे ओरिजिनल रेशियो रखें, यानी कि ये मेरा फोटो जो है ओरिजिनल पोर्ट्रेट है, तो अगर हम कहीं भी मूव करेंगे इसको तो ये पोर्ट्रेट साइज में ही होगा, इसको आप लैंडस्केप नहीं कर सकते। ओरिजिनल रेशियो को इसने मेंटेन किया है। उसके बाद है कस्टम रेशियो, रेशियो मैं सेट कर सकता हूँ यहाँ पे, 3 विड्थ होना चाहिए, 2 हाइट होना चाहिए। तो मैंने सेट कर लिया 3:2 का, तो ये जो रेशियो है 3:2 का है। उसी हिसाब से अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ 2:2 का तो ये 2:2 का रेशियो हो गया। रेशियो आप किसी भी तरह का सेट कर सकते हैं। रीसैम्पल, रीसैम्पल में क्या होगा कि जब आप इसे कैनवस को छोटा करेंगे, क्रॉपिंग को छोटा करेंगे, तो ये जो इमेज हमारा क्रॉप होगा उसका रेजोल्यूशन क्या होगा
रीसैम्पल में आप रिजोल्यूशन भी सेट कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि रीसैम्पल होने के बाद यानी क्रॉपिंग होने के बाद इसकी रिजोल्यूशन 300 हो जाए, और इसे रोटेट करना है तो आप इस तरह से रोटेट कर सकते हैं, रोटेट मुझे नहीं करना है, स्ट्रेट करना है तो स्ट्रेट भी कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि इसकी जो डाली है बिल्कुल सीधी हो, तो आप यहाँ स्ट्रेटन टूल लें और इसकी डाली पे एक लाइन खींचे, तो जिससे ये डाली बिल्कुल सीधी हो जाएगी, यानी कि आप इमेज को क्रॉप कर सकते हैं बिल्कुल सीधी अवस्था में। उसके बाद हम यहाँ पे सीधा अप्लाई बटन दबा देंगे, ये क्रॉप हो चुका है और इसका जो रिजोल्यूशन है यानी कि जो DPI है वो 300 है, जैसा कि हमने अभी सेट किया था। तो इस तरह से हम लोग फोटो को क्रॉप करते हैं। उसके बाद आपका आता है सिलेक्शन ब्रश टूल। सिलेक्शन ब्रश टूल से हम लोग ब्रैकेट से सिलेक्शन को छोटा बड़ा कर सकते हैं, और इस तरह से अगर इस बर्ड को सेलेक्ट करना है तो इसके बर्ड के ऊपर को चलाना होगा आपको माउस को, और जब आप बर्ड के ऊपर माउस चलाते हैं तो देखते हैं कि बर्ड का वो पार्ट सेलेक्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसके लिप को भी सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम सिलेक्शन ब्रश यूज ना करके लैसो ब्रश टूल यूज करेंगे, और इसमें मैं लूंगा पॉलीगोन लैसो टूल और मैं ऐड करूंगा, और इस तरह से जो इसका बचा हुआ पार्ट है उसे मैं ऐड कर लेता हूं। डबल क्लिक से सिलेक्शन क्लोज हो जाता है। अब हम इसे रिफाइन करेंगे, क्योंकि इधर जो फीदर वाला पार्ट है फीदर टाइप का सिलेक्शन होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे रिफाइन बटन पे क्लिक कर लिया हूँ, और इधर एजेस पे आपको ब्रश चलानी है जिससे बैकग्राउंड वहां से रिमूव हो जाएगा और एक परफेक्ट फीदर वाला सिलेक्शन बनेगा आपको। जहां भी हेरी पार्ट है उस जगह पे ये ब्रश को जरूर चलाएं, जिससे सिलेक्शन आपका परफेक्ट हेयर बाय हेयर सिलेक्शन हो जाएगा। जब ये आपने चला लिया रिफाइन कर लिया है, आउटपुट कैसा देखना है मुझे ब्लैक बैकग्राउंड पे देखना है। इस पे देख सकते हैं कि कैसा क्वालिटी आ रहा है, व्हाइट बैकग्राउंड पे आउटपुट देख सकते हैं या ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे देख सकते हैं। अब मेरा आउटपुट चाहिए किस तरह का, सिलेक्शन में चाहिए। अगर मैं अप्लाई करूंगा तो मेरे पास एक न्यू फ्रेश सिलेक्शन होगा पुरानी वाली लेयर पे, लेकिन मैं चाहता हूं कि मास्क हो जाए। मास्क से फायदा क्या होता है, अगर आप किसी पार्ट को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने का मतलब है उसके अनवांटेड पार्ट को आपको नहीं चाहिए, तो जैसे ही मैं इसे मास्क में सेलेक्ट करूंगा तो ये जो पार्ट है जो मुझे नहीं चाहिए, जो यहाँ पे आप चेकर्स बॉक्स के रूप में देख रहे हैं, ये सीधा मास्क के इनसाइड में चला जाएगा। तो मैं इसे अप्लाई करता हूँ मास्क के रूप में। अब यहाँ पे देखिए ये ओरिजिनल इमेज है और बगल में मास्क लगी हुई है, तो मास्क पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद फिर मैं यहाँ से ब्रश टूल लूंगा, ब्रश टूल मैं डिफॉल्ट ले लेता हूँ, एक तरफ वाइट और एक तरफ ब्लैक। अगर वाइट कलर हम कहीं पे चलाएंगे तो वो जो पार्ट हिडन हो चुका है वो वापस आ जाएगा। मास्क से यही बेनिफिट होता है, यानी कि किसी इमेज को सेलेक्ट करते हैं तो मास्क लगाने से कभी भी उसके हिडन पार्ट को हम वापस ला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अंडू कर लेता हूँ और इसे फिर से रिफाइन करेंगे। एक पार्ट आपने सीखा कि मास्क लगाने से क्या होता है। फिर वापस हम सिलेक्शन ब्रश टूल पे जाते हैं, रिफाइन करते हैं। इस बार फिर से मैं वही प्रोसेस अप्लाई करूंगा जो पिछली बार किया था, और सिलेक्शन इस बार मास्क के रूप में नहीं लेकर मुझे न्यू लेयर पे चाहिए। जैसे ही न्यू लेयर पे मैं सिलेक्शन बनाता हूं और अप्लाई करता हूं तो ये जो वर्ड है ये कट पेस्ट होके न्यू लेयर पे चला जाएगा और ओरिजिनल लेयर आपका पीछे रह जाता है। इस लेयर को आपको जरूरत है तो यूज कीजिए, नहीं जरूरत है तो उसे आप हटा सकते हैं। आपके पास एक फ्रेश न्यू लेयर पे वो बर्ड कटिंग होके मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सिलेक्शन ब्रश टूल का इस्तेमाल करते हैं। ये दो टूल आपने सीखा पिछली क्लासेस में, मैं यहाँ बताता हूँ फिल टूल। तो फ्लूड फिल टूल से आप कलर को फिल कर सकते हैं। सबसे पहले कैनवस को मैं वापस फिर से पुरानी वाली पोजिशन पे लाता हूँ। अगर आप फ्लूड सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल किए हैं तो जिस कलर पे आप क्लिक करते हैं उससे 20% डिफर कलर भी आसपास में अगर सटी हुई कलर है आपस में ज्वाइंट है तो सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए कंटिजुअस है,
अगर मैं इसे ऑफ कर दूं, तो अगर इस कलर पर मैं क्लिक करूंगा तो ये इंटायर कैनवास पेज सेलेक्ट करेगा उस कलर को, लेकिन उस कलर से डिफरेंट कलर को भी सेलेक्ट करता है। कितना डिफरेंट? 20% मैंने यहाँ पे डाला है। तो जो ग्रीन पे मैंने क्लिक किया है उससे 20% डिफर ग्रीन पे भी सिलेक्शन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर मैं कंटिन्यूअस ऑफ कर देता हूँ, ऑन कर देता हूँ, और मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, तो ये जो ब्राइट ग्रीन है, ब्राइट ग्रीन इधर भी है, लेकिन ये जो डार्क वाला टहनी है ये दोनों कलर को डिवाइड कर दिया है। इधर का ब्राइट ग्रीन इधर है, इधर का ब्राइट ग्रीन इधर है, बीच में ये डार्क कलर का टहनी। तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि आपस में कनेक्टेड कलर जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम कंटिन्यूअस ऑफ कर दें और फिर से ब्राइट ग्रीन पे क्लिक करें, तो ये जो ब्राइट ग्रीन है ये डिवाइड कर रहा कलर, डार्क ग्रीन ब्राइट ग्रीन को डिवाइड कर रहा, फिर भी मैं ब्राइट ग्रीन पे क्लिक किया हूँ तो पूरे इंटायर कैनवस से वो सर्च करता है सिमिलर कलर को 20% डिफर वैल्यू के साथ और उसे सेलेक्ट कर लेता है। तो ये तो हो गया कि कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस। इस तरह से हम लोग पूरे कैनवस से सेलेक्ट करना है, इसे ऑफ करेंगे, और अगर कंटिन्यूएशन में कोई कलर हमें सेलेक्ट करना है तो हम इसे ऑन करेंगे, रिफाइन कर सकते हैं। बाकी की फीचर्स वही रहेंगी दोस्तों, जो जैसा कि आपने पीछे देखा है। और एक बात और, अगर मेरी क्लासेस आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मेरी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो मेरे रेगुलर अपडेट आपको नोटिफिकेशन के साथ मिलती रहेगी। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं फ्लूड फिल टूल। फ्लूड फिल टूल सिमिलर वैसा ही काम करता है जैसा फ्लूड सिलेक्शन टूल काम करता है। अगर मैंने फ्लूड फिल टूल सेलेक्ट कर लिया है तो अगर मैं ब्राइट ग्रीन पे क्लिक करूँगा तो इस पर ये जो वाइट कलर मेरा है फिल कर देगा। कितना दूर तक फिल करेगा? इसकी वैल्यू है 20%, यानी कि जिस ब्राइट ग्रीन पे मैंने क्लिक किया है उससे 20% डिफर डिफर ग्रीन वाले सेट के ऊपर भी ये वाइट कलर फिल करेगा। अगर मैं इसे अंडू कर लेता हूँ और इस बार मैं डिसकंटिन्यू कर दूँ, क्या होगा बताइए? अगर मैं इसे डिसकंटिन्यू कर दूँ जैसा मैंने फ्लूट सिलेक्शन टूल के साथ बताया वही होगा, यानी कि ये बीच में डिवाइडर काम नहीं करेगा, पूरे कैनवस में जहां भी सिमिलर कलर मिलेगा उस पे वो वाइट कलर फिल कर देगा। तो ये सिंपल सा टूल है, इसका इस्तेमाल कीजिए।